My dear students, today we will do the experiment. How will you make a hole in the cord? For this purpose, the apparatus required is a cord and a cork borer. I am having a cork. आजकल कॉर्क रबड़ के आते हैं, पहले बांस के आया करते थे, तो उनको एक मशीन में डालकर सॉफ्ट करना पड़ता था। इफ यू नीड टू सॉफ्ट मेक द कॉर्क सॉफ्ट यू कैन प्रेस इट विद द हेल्प ऑफ योर फुट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल वी आर प्रेसिंग इट विद द हेल्प ऑफ अवर फुट। परंतु क्योंकि आजकल कॉर्क रबड़ के आ रहे हैं इसलिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज कॉर्क बोरर। इट इज हैविंग 2, 3, 4। जिस साइज का बोर करना हो आपने उस साइज का आप ले सकते हैं कॉर्क बोरर। तो अब मैं इसमें कॉर्क में छेद करने जा रहा हूं। प्लेस द कॉर्क हियर एंड कॉर्क बोरर हियर। Press it, go revolving. ध्यान रखिए बिल्कुल सीधा आप इसको करते चले जाइए, धीरे 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 आराम से। मैंने इस कॉर्क में दो छेद करने हैं इसलिए मैंने इसको एक साइड से किया है। ये देखिए, ये करने के बाद इसके अंदर जो रबड़ फंस गई है इसको हम निकालेंगे। ये इसी कॉर्क में एक और छेद करना है मैंने, यहां से घुमाते जाइए और दबाते जाइए। ये देखिए इसमें एक और छेद हो गया, इसमें से भी रबड़ को निकाल देना। ये देखिए इस प्रकार से कॉर्क के अंदर दो छेद हो। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक ए होल इन द कॉर्क। देखिए कॉर्क में दो छेद हो गए, आपको नजर आ रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।